महालक्ष्मी मंदिर में आप सभी दर्शन में उपस्थित हो। माता जी का एक स्थान हमारे साथ अपन अपन बोल लेते हैं, जिसके बाद में महालक्ष्मी जी की जो यहाँ की सेवा, ये इसके अलावा भी एक और आध्यात्मिक मार्ग के एक और जो प्रकार होता है ईश्वर होने का, उसकी बात जो हम करते हैं। उससे पहले एक माता जी का ध्यान कर लें। ओम अरुणा अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णा कर कमल धृतिष्ठा भेति युगमांबुजाज मणिमुकुट विचित्रा लंकृता कल्पजालय भवति भुवनि माता संतति श्री श्रिय नमः। महालक्ष्मी जी का आप महालक्ष्मी जी का आज दिन है दीपावली, अब जो है अपने पर्व धनतेरस से जो आज पर्व होते हैं उसमें दीपावली दिन आप महालक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो करते ही हैं, सभी करते हैं, ब्राह्मणों को बुला के करवाते हैं ब्राह्मण देवताओं को, वो जो ब्राह्मण देवता बुला के कराएं उनके सेवा से और अनिवार्य करना भी चाहिए, और अगर नहीं भी बुलाते हैं तो भी लक्ष्मी जी के सम्मुख बैठ कर अपनी भावनाओं को और अपनी समर्पण की जो इच्छाओं को परमात्मा के सम्मुख आप समर्पण कर सकते हैं। उत्तर की ओर मुख रखना चाहिए, उत्तर ईशान पूर्व की ओर मुख रखना चाहिए और बैठें और भगवान के सामने, जैसे कि पूजा में सभी जगह सामग्री ब्राह्मण देवताओं द्वारा बहुत ही विधिवत और बहुत ही अच्छी नाना प्रकार की सामग्रियों की पूजा अर्पण करवाई जाती है, उसमें आप स्वयं पवित्र होके भगवान को स्नान ध्यान करा के आप ये चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। इसमें आप विधि विधानिक पूजा ब्राह्मण द्वारा ही करवाएं तो अच्छी बात है, परंतु आप करें तो सिर्फ अर्पण का परमात्मा का नाम लेके भगवान भी आपको चीज जाते हैं मंत्र। इसके बाद में जैसे पाद्य अर्घ अष्टमी आदि स्नान में भी विधि थोड़ी विधान है तो इतना आप नहीं कर पाए, तो भगवान को स्नान ध्यान करा के उनको नैवेद्य लगाएं, जिसमें दीपावली की विशेष होता है सिंगाड़ा सीताफल भोग और धानी और मिठाई है ना, और श्रीफल एवं दक्षिणा से यह भगवान को अर्पण कराएं और फिर नैवेद्य अर्पण कराएं, आरती इत्यादि करें और रात्रि पर्यंत भगवान का भजन करें, महालक्ष्मी जी का जागरण करें, उसमें जो आप कर सकें वो करें, और ये सभी कार्य अगर ब्राह्मण द्वारा ही करवाएं तो नहीं करें, इस प्रकार से पूजा करें। और एक प्रकार और है मानसिक पूजा का, उसमें क्या है कि भगवान के सामने बैठ और अपनी भावनाओं को उनके सामने समर्पित करें। मानसिक पूजा भी आती है वैधानिक में, जिसमें संसार की संपूर्ण सामग्री प्रकृति के द्वारा ही जो जितनी सामग्री जो उनको अर्पण होती है वो उन्हीं की है, वो हम कहीं से कुछ थोड़ी सी करने की क्रिया के बजाय मानसिक रूप में पूर्ण समर्पणता का भाव शंकराचार्य पद्धति द्वारा से चला रहा है, तो भावना के द्वारा की जितनी मिठाई है वो सब आपको अर्पण, जितने सोने चांदी हेरे जारा की हजार है सब आपको अर्पण दक्षिणा में है ना, नैवेद्य में ये से अर्पण प्रकृति पत्र पुष्प इत्यादि जितनी सामग्री विशेषता होती है वो सब आपको अर्पण, पूरी प्रकृति में जितनी मिठाई है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार की अर्पणता की भावनाएँ वहाँ पर समर्पित करके मानसिक पूजा भी आप परमात्मा को उस दिन कर सकते हैं।
दीपावली के दिन कर सकते हैं, उसके अलावा वैसे भी रोज भी करना चाहिए। इसी प्रकार से अपन महालक्ष्मी जी की पूजा करें और अपने को धन्य बनावें, क्योंकि आध्यात्मिकता होना अति आवश्यक है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो होना ही चाहिए। तो क्या है कि अपन जीवन पर्यंत नहीं हुआ तो अंतकाल तक हमें आध्यात्मिकता की ओर हमारा मन, हमारा बुद्धि थोड़ा ईश्वर की ओर ज्ञान रहेगा जीवन काल के अंतर्गत, तो वहाँ पर हम उसको पा लेंगे, समझ लेंगे और कुछ कर लेंगे इस प्रकार जीवन में। और ये क्रिया इत्यादि जो है क्या, ये इसलिए करना अनिवार्य होती है कि इससे व्यक्ति कंटिन्यूएशन में आ जाए, अनुरूपता में आ जाए और वो इस प्रकार करता करता बाद में आध्यात्मिक गतिविधि में अपना जीवन को वृद्धि में बढ़ाए, इस प्रकार से उसका जीवन धन्य कर सके।